सो गाइस मैं आपका दोस्त मुर्शिदराज वापस आ गया टिकटॉक की एक और बहुत कमाल की वीडियो को लेकर। सो गाइस अगर आप टिकटॉक पे फेमस होना चाहते हो, टिकटॉक पे ग्रो करना चाहते हो, टिकटॉक आईडी को अनफ्रीज करना चाहते हो, तो इस वीडियो को मिस मत करना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना। जैसा कि आपको पता है यार कि मैं टिकटॉक से रिलेटेड ज्यादा वीडियो बनाता हूँ, टिकटॉक के ऊपर मैंने कई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया जिसका फायदा बहुत सारे लोगों का हुआ, उसका आईडी अनफ्रीज हो गया और अच्छा खासा ग्रोथ में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टिकटॉक ने इस फरवरी में कुछ दिन पहले ही एक अपडेट लेकर आया जिसमें उन्होंने 4 सीक्रेट ट्रिक बताया अपने आईडी को ग्रोथ करने के बारे में। देखो टिकटॉक ने खुद बताया 4 सीक्रेट ट्रिक और मैंने उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दिया और उस 4 सीक्रेट ट्रिक में एक ट्रिक ये था कि अपने टिकटॉक आईडी को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो मैं उस वीडियो में बता नहीं पाया था। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आप कमेंट भी देख सकते हो कि भाई प्रो अकाउंट में कैसे अपने आईडी को कन्वर्ट करना है, अपने टिकटॉक अकाउंट को कन्वर्ट करना है उसको बताओ। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आ चुका हूं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से ही अपने टिकटॉक अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया होगा लेकिन फिर भी उसका आईडी जैसे का तैसा है, यानी कि ना ही ग्रो कर रहा है ना ही अनफ्रीज हुआ होगा। तो उसका एक ही रीजन है, आपने गलत तरीके से गलत वे में अपने आईडी को जो है प्रो में कन्वर्ट किया होगा, बस इसीलिए आपको जो है प्रो अकाउंट का फायदा नहीं मिला। सेकेंड चीज देखो, प्रो अकाउंट का फायदा ये है कि जैसे आप अपने नॉर्मल अकाउंट है आपका उसे जैसे ही प्रो में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं टिकटॉक के। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका कौन कौन वीडियो ट्रेंड में चल रहा है, आपके कौन कौन वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहा है और व्यूज जो है वो फॉर यू पेज से आ रहे हैं या आपके फैंस देख रहे हैं बस उसी से आ रहे हैं, आपका आईडी फ्रीज है या नहीं है, तो इस तरह के जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने ऑडियंस को जान सकते हो कि कितने बजे मेरे आईडी पे ज्यादा ऑडियंस आते हैं, उस हिसाब से आप उस टाइम पे वीडियो पोस्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपका वीडियो वायरल हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा जिसकी वजह से आपका आईडी जल्दी से ग्रोथ हो जाएगा। बस यही फायदा होता है प्रो अकाउंट कन्वर्ट करने का। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का माइंड में ये चलता है कि भाई अगर प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे ना तो पैसे वैसे हमारे बैंक वैंक से काट लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इसमें प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करने के कुछ रुपए नहीं लगते, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में इसे कन्वर्ट कर सकते हो प्रो अकाउंट में। तो जैसा कि टिकटॉक ने 4 सीक्रेट बताया था जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसका पहला सीक्रेट ट्रिक ही यही था कि अपने आईडी को प्रो में कन्वर्ट करना। तो देखो चलो मैं आपको सीधे टिकटॉक पे लिए चलता हूँ, वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट को प्रो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो वीडियो के साथ बने रहिए, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि और अच्छा लगे वीडियो आगे देखने में। तो सबसे पहले आपको अपना टिकटॉक अकाउंट ओपन करना है, मैंने ओपन किया, फिर मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल पे जाना है, तो मी पे क्लिक करके प्रोफाइल पे मैं आ गया और यहाँ पे आपको क्या करना है कि राइट अप कॉर्नर पे देखो 3 डॉट का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने अपने टिकटॉक को अपडेट किया होगा तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा, अगर अपडेट नहीं किया होगा तो हो सकता है ओल्ड टाइप का आपको जो है इंटरफेस दिखे। तो जैसा भी हो आपको प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में जाना है, इस पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलता है फर्स्ट में ही मैनेज माई अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे देखो लास्ट ऑप्शन जो है एक ब्लू कलर में स्विच टू प्रो अकाउंट, यानी अपने नॉर्मल अकाउंट को प्रो अकाउंट में स्विच करना है, तो इस पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गेट अ टिकटॉक प्रो अकाउंट, अ फ्री प्रो अकाउंट गिव्स यू टू टूल्स टू ग्रो एंड ट्रैक योर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे खुद दिखा रहा है कि अपने परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हो, यानी कि जान सकते हो कि आप टिकटॉक पे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, टाइम का बर्बादी कर रहे हो या टिकटॉक को ही बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा चीज की ग्रो कर सकते हो। तो टिकटॉक यहाँ पे खुद बता रहा है और ऊपर से ये भी बता रहा है कि ये फ्री है। तो आपको यहाँ देखो इधर आप जाओगे तो देख सकते हो कि वीव एनालिटिक्स, यानी प्रो अकाउंट में कन्वर्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें है कि फाइंड आउट हाउ योर वीडियोस परफॉर्म एंड मोर अबाउट योर फॉलोअर्स। यहाँ पे बोलता है कि आप चेक कर सकते हो कि आपका वीडियो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है और अपने फॉलोअर्स के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हो। बस आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इसमें से जो आप ऑप्शन चूज करोगे बहुत समझदारी के साथ चूज करना होगा,
क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आप चूज करोगे उसी के हिसाब से आपका अकाउंट जो है एल्गोरिथम में फिट हो जाता है टिकटॉक के, और जो चीज चूज कर रहे हो उसी टाइप का आपको वीडियो बनाना है। अब ऐसा नहीं कि भैया आप एजुकेशन वाला चूज कर लिए और वीडियो फनी डाल रहे हो तो ये क्या होगा, एल्गोरिथम के साथ आप मजाक बन जाओगे। मतलब एल्गोरिथम समझेगा कि ये बंदा हम एजुकेशन का वीडियो पोस्ट करेगा लेकिन आप कर रहे हो फनी वीडियो, बस आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। तो यही मेन कैटेगरी जो यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो इसमें से आपको उसी कैटेगरी को चुनना है जिस कैटेगरी के आप वीडियो बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ कि आप अगर क्या हो तो क्या चूज करना है। जैसे पब्लिक फिगर है, पब्लिक फिगर में वही चूज कर सकता है जो कि पब्लिक स्टार है। हो सकता है इसमें बॉलीवुड के जो भी एक्टर एंड एक्ट्रेस है, या आप कोई नेता हो बड़े, या कोई बड़े बिजनेसमैन हो, यानी कि नामी गामी आदमी, जो भी नामी आदमी होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो अगर टिकटॉक पे अकाउंट बनाए तो वो पब्लिक फिगर चूज करेंगे। अगर आप नॉर्मल इंसान हो मेरे जैसे तो आप पब्लिक फिगर चूज मत करना। चलो पर्सनल ब्लॉग भी आप चूज कर सकते हो एक नॉर्मल इंसान होने के नाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है एजुकेशन का कौन चूज करेगा, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता है, या हो सकता है वो मोटिवेशन टाइप की कुछ वीडियो बनाता हो, जो कुछ लोगों को सिखाता हो, सिंपल सा पर्पस है सिखाने वाला वीडियो अगर आप कुछ बना रहे हो तो एजुकेशन आपको चूज करना है। मीडिया के अंतर्गत ज्यादातर पत्रकार का आता है, जो कि न्यूज एंकर होते हैं, न्यूज टाइप की वीडियो ज्यादा डालते हैं, तो मीडिया को चूज करना, या आप और भी जो न्यूज उससे सनसनीखेज जो चीज होते हैं ना, इंटरनेट सेंसेशन, वो सब डालते हो तो आप मीडिया चूज करना। अब म्यूजिक डांस, अगर आप गाना गाते हो या शायरी बोलते हो या मोटिवेशन टाइप की कोई शायरी वाली वीडियो बनाते हो या डांस करते हो एक्टिंग करते हो तो म्यूजिक या डांस में आप चूज कर सकते हो। ब्यूटी एंड फैशन, इसके अंतर्गत क्या आता है कि आप सैलून का वीडियो डाल रहे हो या कोई भी ऐसा चीज जो कि फैशन से रिलेटेड है, कपड़े का दुकान का डाल रहे हो ज्यादातर, या आप फैशन से रिलेटेड कुछ बता रहे हो, लक्ष्मी काजल ऐसे करके, तो आपको जो है ब्यूटी फैशन चूज करना है। मेडिकल एंड हेल्थ, अगर आप डॉक्टर हो कुछ एडवाइस बता रहे हो, खास करके एक मृदुल मधोक भाई है ना जो बताते हैं कि भाई आपका फेस काला है तो ये काजल लगाओ गोरा हो जाएगा, और पाउडर लगाओ कुछ भी हो जाएगा, तो वो इस तरह का चूज उसे करना पड़ेगा मेडिकल एंड हेल्थ में। अब है एंटरटेनमेंट में आपको क्या डालना है, अगर आप टिकटॉक पे एंटरटेन करवाते हो लोगों को, हंसाते हो, काफी अच्छे एक्टिंग करते हो, तो इसमें आप चूज कर सकते हो। अब स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, अगर आप जिम लवर हो, बॉडी शॉडी आपका माशाल्लाह बढ़िया है, आप जिम के बारे में बताते हो कि ऐसे करो तो ये बॉडी बनेगा, वैसे करो तो मसल्स बन जाएगा, तो इस तरह का आप चूज कर सकते हो। स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हो, क्रिकेट फुटबॉल या और भी कोई ऐसा चीज जो कि आपको आता है, तो आप स्पोर्ट एंड फिटनेस चूज कर सकते हो। आर्ट के अंदर क्या है कि आर्टिकल्स जो आप बनाते हैं ना, कुछ पेंट वगैरह करते हैं या दीवार को पेंट करने के बारे में बताते हैं, या कोई भी ऐसा चीज जो कि मोटरसाइकिल से साइकिल बना दिया और बच्चे से कुछ और बना दिया, तो जो भी आर्ट होते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फूड कुकिंग में तो आप जानते हो, खाना वाना बनाने का रेसिपीज अगर आप बताते हो तो फूड एंड कुकिंग चूज करो। ट्रेवल एंड रिसोर्ट में, अगर आप ट्रेवल के बारे में बता दो कि भैया अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो कैसे जाओगे, प्लेन पे फर्स्ट टाइम कैसे बैठना है या प्लेन पे लटक के जाना है, जैसे भी आपको अगर आपको आता है ट्रेवल के बारे में, या रिसोर्ट यानी कि गोवा आप चले गए बीच के बारे में बता दो कि भैया यहाँ पे नहाने में मजा आता है ठंडी में, तो इस तरह का आप बता सकते हो। एनजीओ में क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे वगैरह को हेल्प कर रहे हो, या जो यतीम लोग होते हैं, जो कि वृद्धा आश्रम होते हैं, उससे रिलेटेड, या आप चाहते हो कि टिकटॉक से कुछ लोग हमारे एनजीओ को हेल्प करें, सपोर्ट करें, बहुत सारा ऐसा होता है, तो एनजीओ के बारे में भी आप यहाँ डाल सकते हो, जो कि लोगों की खास करके मदद करने के बारे में बनाया जाता है, तो उसके लिए आपको एनजीओ चूज करना है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स में कोई नेता है, कोई लीडर है, या गवर्नमेंट का कोई और भी चीजें स्कीम वगैरह, तो ये चूज करेगा। पेट एंड एनिमल्स, आप जानवर से रिलेटेड ज्यादा वीडियो बनाते हो, खास करके चाइनीज कुछ लड़की को मैं देखता हूँ कि कभी कीड़े मकोड़े खाते हैं, कभी कुछ खाने लगते हैं, कभी सांप खा जाते हैं, मतलब पता नहीं कैसा वाहियात लोग है जिसकी वजह से कोरोना वायरस भी फैला था शायद। तो देखो इस तरह का जो भी पेट एंड एनिमल्स रिलेटेड ज्यादा वीडियो बनाते हो, आपके पास अगर कोई अच्छा सा प्यारा सा कुत्ता है, नन्हा सा, उसके साथ ज्यादा वीडियो बनाते हो, तोता है उसके साथ बनाते हो, या सांप है सांप को लेकर खाते पीते इधर उधर जाते हो, तो आप पेट एंड एनिमल्स चूज करके बना सकते हो। अब अदर्स में कौन आते हैं भैया, अदर्स में वो जो कि टिकटॉक पे टाइम पास करने आते हैं, मतलब इन सारे कैटेगरी में से कुछ नहीं बताता, कभी डुएट कर दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है, कभी सो जा रहा है, कभी रो दे रहा है, कभी हंस दे रहा है, तो अगर मिक्स टाइप का खिचड़ी बनाते हो अगर आप टिकटॉक पे, तो आप अदर्स को चूज कर लेना। तो मैं तो भैया यहाँ पे अभी चूज करने वाला हूँ आपका पर्सनल ब्लॉग। तो पर्सनल ब्लॉग सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो ये आप चूज कर सकते हो, सभी के लिए आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका वेलकम टू योर प्रो अकाउंट, यू कैन फाइंड एनालिटिक्स इन सेटिंग्स, और आपको ओके कर देना है बस।
आपका अकाउंट जो है प्रो में कन्वर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। बजाओ ताली और लाइक मारो। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्रो अकाउंट में आपका कन्वर्ट हो गया तो आपको फायदे क्या हुए कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया एनालिटिक्स का। इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा मुझे। तो मैंने क्लिक किया, बस ये हमारे अकाउंट को पूरा सर्वे कर रहा है अंदर ही अंदर और पूरा सब चीज ढूंढ के लाने की कोशिश कर रहा है। अब बेटा क्या ला दिया, नो डेटा, मतलब कुछ नहीं दिखा रहा मुझे। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी ये पूरा तरह से जो है सर्वे नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एनालिटिक्स विल बी अपडेटेड टुमारो, यानी कि कल से आपको जो है डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरव्यू में आप चेक कर सकते हो कि व्यूज आपको लास्ट 7 दिन में कितने आ रहे हैं, लास्ट 28 दिन में कितने आ रहे हैं, फॉलोवर्स आपके 7 दिन में कितने बढ़े हैं, 28 दिन में कितने बढ़ेंगे, प्रोफाइल कौन कौन विजिट किया है नहीं किया है, कंटेंट में आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना वीडियो को पोस्ट किया है पिछले 7 दिनों में, कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग में गया है, और फॉलोवर्स में आप चेक कर सकते हो कि आपके टोटल फॉलोवर्स कितने हैं, जिसमें जेंडर कितने हैं, मतलब जेंडर के अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चा कितना है, बुतरू कितना है, फिर टॉप टेरिटर्स ये पता नहीं क्या है, फॉलोवर एक्टिविटी चेक कर सकते हो, वीडियो आपका कितना वॉच किया गया है, कौन कौन साइन साउंड पे आपका वीडियो चल रहा है, ये सब मतलब बहुत कुछ। इसके अलावा मैं इसके ऊपर भी एक स्पेशल बना दूंगा जब मेरे पूरा डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टिकटॉक अकाउंट को प्रो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे पूरा कोशिश किया आपको हर एक चीज सही सही समझाने का, हो सकता है कुछ इधर उधर थोड़ा निकल गया होगा मैं गुस्से में तो मिस्टेक हो गया होगा, तो उसे आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना और वीडियो को कस के थोड़ा सा लाइक कर दो, इतना कस के नहीं कि आपका स्क्रीन फट जाए, थोड़ा लाइक कर दो चैनल को। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, मतलब इतना देर से मैं बोल रहा हूं मेरे गले भी सूख गए। तो यार एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप देख के उसका लाभ उठा पाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।